से बहुत कुछ सीखना है। है हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। sure का एक mainstream rise भी हो रहा मतलब आपका करियर जब एक्टिव रहा है इंडियन mm -hmm. फुटबॉल mm -hmm. की एंड अकॉर्डिंग टू मी और भी ज्यादा राइज होने वाला है इंडियन फुटबॉल डू यूड से राइज तो हो ही रहा है यार. I think, uh... ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते आई थिंक अगर एक नॉर्मल बच्चे को ही समझाना है अगर जी तो जब मैंने देशर खेलना स्टार्ट किया और जब मैं सीन में आया इसमें मैं कुछ अपने अपना वो नहीं कर रहा है जस्ट जब सीन में आया सो इट्स बेटर कि जब कर सकते हो अपने नहीं, बारे में बट इट्स ऑलवेज मेक सेंस कि जब आप उस एरा में हो या उस दौरान हो उसी के बारे में बात करो और जब आप नहीं थे उस टाइम पर अगर मैं बोलूँ दो की बात तो वो सही नहीं क्योंकि मैं उस टाइम नहीं खेल रहा था तो वो फिर बिना बात पे क्रिटिसाइज़ करना या अपनी टिप्पणी देना वो मेरे को सही नहीं लगता तो जब मैंने खेलना स्टार्ट किया और स्पेशली कर देश की बात करें तो 2013 में मैं स्क्वाड में आया था और दो साल फिर मैंने बेंच पे मस्त टाइम बिताया <laughs> तो 15 में जब ऊपर वाले की दुआ से हमें मैं जब देश के खेला उस वक्त हमारे देश की रैंकिंग सौ थी आज के समय में हम लोग नाइन्टीज़ में घूम रहे हैं दो एशिया कप डायरेक्ट क्वालिफाई हुए हैं विच नेवर हैपन बिफोर जो लीग की व्यवरशिप है यदि आप बाहर मुल्क जाते हैं या कहीं भी ट्रेवल करते हैं उसकी जो लोकप्रियता है इस गेम की एक्चुअली हमारी लीग की काफ़ी ऊपर है हमारे जो जूनियर बैचेस हैं अंडर सिक्सटीन सेवनटीन आई थिंक ब्रिलियंटली देर डूइंग वेल बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स डिपार्टमेंट तो अगर आप बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहें तो यही तरक्की है ना hmm. कि आप एक से नब्बे के बीच में अगर यदि आप उम्मीद करेंगे कि पाँच दस साल में हम एक से कल वर्ल्ड कप पहुँच जाएँ तो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम तो ग्रोथ यही है कि एंड विच आई ऑल्सो बिलीव तरक्की वही है जिसमें कंसिस्टेंसी हो और लॉन्जिविटी हो तो यदि आप हमारा ग्राफ्ट देखें सिर्फ फुटबॉल का इट्स ऑलवेज ऑन द तो वी आर डूइंग वेल एंड जैसे मैंने जो अभी बताया रैंकिंग का प्लस दो एशिया कप फर्स्ट टाइम इतिहास में हिंदुस्तान के जो अभी हम कतर में खेलने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर तो वो तरक्की है जूनियज आर डूइंग वेल लीग इम्प्रूव हो रही है तो वही है ग्राफ्ट ऊपर जाना चाहिए हमेशा और वो हम कर रहे हैं अगर मैंने आज आपको सौ करोड़ दे दिए और आपको इंडियन फुटबॉल हेड बना दिया क्या करोगे ताकि इंडिया के की रैंकिंग और भी ज़्यादा बढ़े आई थिंक सबसे ईजी आंसर तो रहेगा ग्रास रूट्स मतलब इसलिए बच्चों की कोचिंग रूरल yes. में रूरल एरियाज में भी सिटीज में भी हर जगह ही और इसका कारण ये है कि आप एक संदेश जिंगर पर डिपेंड नहीं रह सकते जी आप एक सुनील छेत्री पे डिपेंड नहीं रह सकते भाईचुंग भाई जो पहले थे किसी भी देश की तरक्की किसी भी फील्ड में यदि हम इंजीनियर्स की भी बात करें आप भी इंजीनियर आए थे मैं भी इंजीनियर बनने के रास्ते में था बट उतर गया उस ट्रेन से फिर तो किसी भी फील्ड में यदि आपके देश को ऊपर आना है जी जब उसका रेगुलर सप्लाई रहेगा टैलेंट का तो ही इंडिया कहलाया जाएगा कि इंडिया हैज़ द बेस्ट इंजीनियर्स और द इंडिया हैज़ द बेस्ट क्रिकेटर्स क्योंकि एवरी वीक अ न्यू प्लेयर टर्निंग एटीन एंड इज वर्ल्ड क्लास बिकॉज बहुत छोटी उम्र से वो लोग उस स्पोर्ट्स को पकड़ चुके हैं और वो खेलना स्टार्ट हुआ है तो आई थिंक ग्रास रूट बच्चों की ट्रेनिंग फ्रॉम द वेरी यंग एज फ्रॉम फाइव सिक्स ईयर्स ओल्ड यू गेट दैम ऑन बोर्ड एंड स्टार्ट द प्रोसेस उसकी आपको सेम लग जाए पेड़ भी लगाते हैं एकदम से फल नहीं मिलेगा तो आप बीज बोएंगे पानी देंगे उसको अच्छे से सो यू सेट अप द ट्रेनिंग सेंटर्स गेट द राइट किड्स यू स्टार्ट नर्चरिंग दैम उनको सही फुटबॉल ट्रेनिंग दें किताबी ज्ञान भी दें और फिर जब वो जाके फिर जब सतारह अठारह का अट्ठारह का होगा पूरा ब्लॉसम करेगा तब वो देश की उसमें होगा बट मोर देन दैट यदि इतना सौ करोड़ की अगर बात कर रहे हैं या जस्ट टू इम्प्रूव द इंडियन फुटबॉल सिनारी तभी मैंने कहा था इजिएस्ट आंसर रूट है पर रियल क्या चाहिए मेरे हिसाब से माइट बी रॉन्ग दो बट गली गली में फुटबॉल चाहिए अपने को तो पेरेंट्स हैं आज जो इंडिया क्रिकेट में है इज नॉट बिकॉज हमारा बेस्ट ग्रास रूट्स है क्रिकेट का मे बी ऑस्ट्रेलिया इज़ द सेम ऑल्सो बट हर घर से तो यदि एक बच्चा कहता है मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ माँ बाप अलाउ करते हैं या इसकी बहुत हर सड़क पे क्रिकेट है तो अगर हम दस हज़ार सौ करोड़ छोड़ो हज़ार करोड़ लगा देंगे यदि ट्रेनिंग सेंटर बना लें पर जब तक ये कल्चर नहीं आएगा ना फुटबॉल का गली गली में जब फुटबॉल नहीं खेली जाएगी इट विल नॉट मेक द सेम डिफरेंस रिगार्डिंग आप जितना मर्जी पैसा इसमें डाल दें तो वो तभी आएगा जब आज की जनरेशन जो हम अभी कर रहे हैं हम वो कर सकें इतना कि जो एक नेक्स्ट संदेश जी जो चंडीगढ़ में बैठा है अभी पाँच छह साल का जिसे कुछ नहीं पता क्या करना है जिंदगी में वो देखे और समझ से कि मुझे ऐसा बनना है यार मेरे लिए ये पॉडकास्ट एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रमोट द द स्पोर्ट आई लव मोस्ट ये मेरा फेवरेट स्पोर्ट है और मतलब आठ सालों के बाद पहली बार mm -hmm. या दूसरी या तीसरी बार मैं फुटबॉल रिलेटेड कॉन्टेंट बना रहा हूँ बट आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड आई फील की द राइट मोमेंट इज नाउ तो मेरे जितने भी अभी क्वेश्चन आएंगे वो उसी परस्पेक्टिव से इवन आई वॉन्ट टू बिल्ड फुटबॉल कल्चर सो इफ आई आज समथिंग रॉन्ग जस्ट डोंट माइंड इट ओके कुछ की सवाल है एज अ फुटबॉल फैन जब मैं फुटबॉल देखता हूँ फॉर मी आई वॉच इट फॉर द ह्यूमन्न वोल्ड

नहीं करते जो उन्होंने किया तो मेरे को मोटिवेशन ना आती hmm. तो वैसी जो फ्यूचर जनरेशन है फॉर देम आई आई थिंक होप दे लर्न फ्रॉम ऑल दिस क्योंकि एक डोंट नो वर्ड इंग्लिश उसे में थोड़ा बता भी दो ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड है बहुत सारे लोग इस एपिसोड की वजह से फुटबॉल देखना स्टार्ट करेंगे Uh, I think Suresh Wangjam, one of my favorites. Uh, he's a midfielder. Bangalore uh, में Anwar Ali, my partner in defence right now. Uh, he plays in Mohun Bagan. And uh, Akash Mishra, I think, he's बहुत uh, He's signed for Mumbai now. And Tapa is there, Anirudh. Sahal is there. Both are in Mohun Bagan. And uh, या यार तो यही चार पांच नाम बट इट्स सच बिग पूल यू नो इट्स वेरी हार्ड ऑफ कोर्स मैंने उनके नाम लिए जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और नेशनल टीम सीनियर टीम के पार्ट अभी हैं बट दे जस्ट केम जूनियर उससे फ्रॉम द जूनियर स्क्वाड बट सच अ बिग पूल टू बी ऑन इसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है जिसका क्रेडिट हर कोच जो अभी जूनियर सा कोच है फ्राम द फोटीन सिक्सटीन सेवनटीन द वर्क दे हैव डन इट्स इनक्रेडेबल जो अभी हमें यूथ मिल रहा है जो आ रहे हैं अभी सारे बाईस तेईस साल के जो लड़के हैं ट्रिमेंडस मैन आर वेरी टैलेंटेड वेरी सॉटेड माइंड सेट सही है फुटबॉल की प्रॉपर टैक्टिकल साइड और हर चीज़ की अच्छी नॉलेज है तो यह yeah, बहुत बड़ा फूल है तो इसको एकदम छोटा करना मुश्किल है अनफेयर भी रहेगा कि अगर मैं कुछ ही हूँ कि नाम लूँ mm -hmm. तो बट द फ्यूचर इज ब्राइट मैन द प्रेजेंट इज़ ब्राइट एंड द फ्यूचर इज ब्राइट ऑल्सो प्रेजेंट इज ब्राइट एंड इवन द नियर फ्यूचर इज ब्राइट अकॉर्डिंग टू ऑलवेज इफ यू बिलीव सो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए रेबली शो